हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये आप सभी के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। आने वाले एग्जाम की तैयारी अभी से आप शुरू कर दें, तभी आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो पाएगी। आज किस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुआसिर अदब के पेशरो का मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन देखिए आपके सामने जो है, आर अहमद सुरूर हैं, मजनू गोरखपुरी हैं, वजीर आगा हैं और मोहम्मद हसन हैं। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी मोहम्मद हसन। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं मोहम्मद हसन के बारे में, बहुत अहम नाम है। मोहम्मद हसन की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये चीज़ आप मुझे बताइएगा, बहुत अहम चीज़ें हैं। और इसी के साथ साथ में मोहम्मद हसन की कुछ किताबें हैं, उनके नाम मैं आपको बतलाऊंगा। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा, आपकी जो पैदाइश हुई है याद रखेंगे, 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 2010 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी जो बहुत अहम तसनीफात, उसमें किताब का नाम याद रखेंगे, अदबी तनकीद। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है अदबी तनकीद के मुसन्निफ कौन है, तो जवाब हो जाएगा मोहम्मद हसन। एक किताब और भी नोट कर लीजिएगा, शेर नौ, इसके मुसन्निफ कौन है, तो जवाब हो जाएगा मोहम्मद हसन। और इसी के साथ साथ में किताब का नाम और भी नोट कीजिएगा, शनासा चेहरे। इन तीनों ही किताबों के मुसन्निफिन कौन है, मुसन्निफ कौन है, मोहम्मद हसन, जरूर याद रखेंगे। मोहम्मद हसन ही का ड्रामा है जहाक, जो आपकी निसाब में शामिल है, उसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस्लाह जुबान के लिए कौन सा शायर मशहूर है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है नासिख, दूसरा है मिर्जा मजहर, तीसरे में है मिर्जा गालिब और चौथे में है ज़ौक। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अहम क्वेश्चन है सभी। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी नासिख, नोट कीजिएगा, शेख इमाम बख्श नासिख। तो नासिक के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले चीज ये मालूम होनी चाहिए कि नासिक की सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इसी के साथ साथ में नासिक के वालिद का नाम क्या, ये भी आप मुझे बतला सकते हैं। नासिक के दीवान के बारे में भी आप मुझे बतला सकते हैं। तो पहली चीज हम नोट कर लेते हैं, 1772 ईस्वी में याद रखेंगे फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1838 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है शेख खुदा बख्श, नोट कर लीजिएगा, शेख खुदा बख्श जो है आपके वालिद का नाम है, इसे भी आप याद रखेंगे। आपके दीवान के बारे में बात करें, तो आपके दीवान में उर्दू के तीन अहम दीवान है, एक का नाम है दीवान नासिख, इसे आप याद रखेंगे, एक है दफ्तर परेशान, इसे भी आप याद रखेंगे, एक और नाम याद रखेंगे दफ्तर शेर। तो ये तीन अहम दीवान हैं, इन्हें आप जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। नासिक के ताल्लुक से कौल है, वह पुरानी नाहमवार रविशों के नासिक है, वो पुरानी नाहमवार रविशों के नासिक है, ये किसका कौल है। तो आपका जवाब हो जाएगा मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब का ये ख्याल है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिर्जा नौशा किसका लकब था, मिर्जा नौशा किसका लकब था। ऑप्शन देखिए आपके सामने जो है, पहले ऑप्शन में है मोमिन और दूसरे में है गालिब, तीसरे में है दौक और चौथे में है दाग दहलवी। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब। मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब बहुत अहम नाम है। तो आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या, बहुत बार बता चुके हैं, आप सबको याद हो चुका होगा। इसी के साथ साथ में पेंशन के लिए, आप पेंशन की बहाली के लिए आपने कहाँ का सफर किया था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। गालिब अपने खतूत में किस जगह को दारुस सुरूर के नाम से याद करते हैं या दारुस सुरूर कहा है, आप मुझे बताएंगे।
इसी के साथ साथ में गालिब के खतूत के पहले मजमुए का नाम क्या है। तो पहली चीज यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं, 1797 ईस्वी में याद रखेंगे आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। पेंशन की बहाली की गरज के लिए आपने कहाँ का सफर किया था, तो याद रखेंगे कलकत्ता का आपने सफर किया था। कब किया था? 1826 ईस्वी में, याद रखिएगा। दारुसुरू के नाम से किस जगह को याद किया आपने खतूत में, तो आपका जवाब हो जाएगा रामपुर। ये प्रीवियस एग्जाम के देखिए फैक्ट है, इसलिए जरूर याद रखेंगे। गालिब के खतूत के पहले मजमे का नाम क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा उदे हिंदी। जरूर याद रखेंगे, उदे हिंदी जो है गालिब के खतूत का पहला मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, गजल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? बहुत अहम क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए आपके सामने जो है, पहला ऑप्शन है हाली, दूसरे में कलीमुद्दीन अहमद, तीसरे में है एहतशाम हुसैन और चौथे में रशीद अहमद सिद्दीकी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा चौथा ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी की खुदनविश्त का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा आशुफ्ता बयानी मेरी। जरूर याद रखिएगा आशुफ्ता बयानी मेरी किसकी खुदनविश्त है, तो जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। अब यहाँ पे गजल के ताल्लुक से चूंकि ये कौल है, तो गजल से मुतालिक कुछ और भी अहम अकवाल जो उर्दू के हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। जैसे बहुत ध्यान से सुनना होगा फिर आप जवाब दीजिएगा। पहला कौल, गजल शायरी नहीं इतरे शायरी है, ये किसका कौल है आप मुझे बताइएगा। इसी के साथ साथ में दूसरा कौल बहुत ध्यान से सुनना है, जवाब दीजिएगा। गजल का खमीर इश्क व मोहब्बत है, गजल का खमीर इश्क व मोहब्बत है, ये किसका कौल है। तीसरा कौल भी गजल के ताल्लुक से आप बहुत अच्छे से सुनिएगा, गजल बड़ी काफिर सनफे सुखन है, गजल बड़ी काफिर सनफे सुखन है। अगला कौल आप ध्यान से सुनिएगा, गजल नीम वहशी सनफे सुखन है, गजल नीम वहशी सनफे सुखन है। नेक्स्ट कौल आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, गजल बेवक्त की रागनी है, गजल बेवक्त की रागनी है, तो ये किसका कौल है। पहले नोट कीजिए, गजल शायरी नहीं इतरे शायरी, ये किसका कौल है, तो ये है आपके फिराक गोरखपुरी का। गजल का खमीर इश्क व मोहब्बत है, ये किसका कौल है, अल्लामा शिबली नौमानी का। गजल बड़ी काफिर सिनफे सुखन है, ये किसका कौल है, आल अहमद सुरूर का। गजल नीम वहशी सिनफे सुखन है, ये किसका कौल है, कलीमुद्दीन अहमद का, कलीमुद्दीन अहमद का। याद रखिएगा गजल बेवक्त की रागनी है, ये किसका कौल है, तो जवाब हो जाएगा मौलाना अल्ताफ हुसैन खाली। बहुत ही गजल की गर्दन बेतकल्लुफ मार देनी चाहिए, तो ये किसका कौल है, अजमतुल्ला खाका, इसे भी याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किसके दीवान की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज हुआ। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है कुली कुतुब शाह, दूसरा है वली दकनी, तीसरा है सिराज औरंगाबादी और चौथे में है इब्ने निशाती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी वली दकनी। वली दकनी का दीवान दिल्ली कब पहुंचा, तो याद रखिएगा 1719 ईस्वी में, इसे भी आप याद रखेंगे 1719 ईस्वी में, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है, तो जवाब हो जाएगा कुली कुतुब शाह, इसे भी आप याद रखेंगे। वली की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है, दोनों चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1720 से 25 के मिड में के आसपास आपका इंतकाल हुआ है अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बहुत अहम क्वेश्चन है सभी। शुआए उम्मीद किसकी नज्म है, पहला ऑप्शन है अली सरदार जाफरी, दूसरा है अल्लामा इकबाल, तीसरा है जोश मलिहाबादी और चौथे हैं हाली। तो जवाब आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी अल्लामा इकबाल, जरूर याद रखेंगे। शुआए उम्मीद जो नज्म है ये अल्लामा इकबाल की किस शेरी मजमुए में शामिल है, पहली चीज तो ये आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में अल्लामा इकबाल की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है। अल्लामा इकबाल के चार अहम उर्दू शेरी मजमुओं की नाम क्या है, तो याद रखेंगे बांगे दरा, नाम याद रखेंगे बांगे दरा,
बाले जिब्रील, जरबे कलीम और इसी के साथ साथ में अरमगान हिजाज, ये चार अहम उर्दू के शेरी मजमुओं के नाम हैं। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई है तो नोट कर लीजिएगा, 1877 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा, और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। किस शेरी मजमे में ये नज्म शामिल है तो याद रखेंगे जरबे कलीम, किस में शामिल है जरबे कलीम में, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, गुलशन इश्क का मुसन्निफ कौन है, गुलशन इश्क किसकी मसनवी है, सिर्फ के एतबार से मसनवी है तो जवाब दीजिएगा इसका मुसन्निफ कौन है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है वजही, दूसरे में है इब्ने निशाती, तीसरे में शौकी और चौथे में है नुसरती। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी नुसरती, नोट कर लीजिएगा। याद रखिएगा ये नुसरती की पहली मसनवी है, नुसरती की पहली मसनवी है, इसका सन तसनीफ क्या है ये आप मुझे बतलाएंगे। ये एक इश्किया मसनवी है, इसमें किसकी इश्किया दास्तान बयान की हुई है ये चीज आप मुझे बताएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि मसनवी जो है नुसरती ने किसकी फरमाइश पर लिखी, इसे भी आप बताएंगे। तो पहली चीज नोट कीजिएगा इसका सन तसनीफ है 1657 ईस्वी। इसमें जो इश्किया दास्तान बयान हुई वो मनोहर और मदमालती की है, किसकी है, मनोहर और मदमालती की इश्किया दास्तान बयान हुई है। किसकी फरमाइश पर लिखी है आपने ये मसनवी तो याद रखेंगे नबी बिन अब्दुस समद, नबी बिन अब्दुस समद की फरमाइश पर आपने ये मसनवी लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है आहंग किसका मजमूए कलाम है, पहला ऑप्शन देखिए फैज है, दूसरा है मजाज, तीसरा है साहिर और चौथा है मीराजी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी असरारुल हक मजाज, यानी आपका नाम क्या है जो मैंने भी बताया वो आप याद रखिएगा, साथ ही साथ में आपकी सन विलादत क्या है और सन वफात क्या, ये दोनों चीजें आप सबको मालूम होनी चाहिए। आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा ये भी आप मुझे बतलाइएगा। तो पहली चीज नोट करते हैं आपका नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया असरारुल हक जो है आपका नाम है। आपकी पैदाइश कब हुई है तो नोट कर लीजिएगा 1909 ईस्वी में, कहीं कहीं 1911 भी मिलता है, बाराबंकी में आपकी पैदाइश हुई है और 1955 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है वो है आहंग, इसे याद रखेंगे, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। इसी के साथ साथ में शबे ताब, ये भी आपका शेरी मजमुआ है, और शब ताप के साथ साथ में साजे नौ, ये भी आपका अहम शेरी मजमुआ है। चलिए अब हम बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फलसफे कलाम गालिब का मुसन्निफ कौन है, पहला ऑप्शन देखिए शौकत सब्जवारी है, दूसरे में अब्दुलरहमान बिजनौरी है, तीसरे में कलीमुद्दीन अहमद है और चौथे में मसूद हुसैन खान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए हमारा पहला ऑप्शन यानी शौकत सब्जवारी। दो किताबों के नाम और भी नोट कीजिएगा, आप बताइए इनके मुसन्निफ कौन है, एक किताब का नाम है अफकारे गालिब और दूसरी किताब का नाम है महासिने कलामे गालिब, महासिने कलामे गालिब के मुसन्निफ कौन है तो नोट कर लीजिएगा अफकारे गालिब के मुसन्निफ है खलीफा अब्दुल हकीम, क्या नाम बताया हमने, खलीफा अब्दुल हकीम जो है इसके मुसन्निफ है। महासिने कलामे गालिब के मुसन्निफ कौन है, अब्दुलरहमान बिजनौरी, क्या नाम बताया हमने, अब्दुलरहमान बिजनौरी जो है इसके मुसन्निफ हैं, जरूर याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दरियाए लताफत का ताल्लुक किससे है, तमसील पहला ऑप्शन है, दूसरा तंज़ो मज़ा है, तीसरा है कवायद ज़ुबान और चौथा है किस्सा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कवायद ज़ुबान। दरिया लताफत किसकी किताब है तो याद रखेंगे इंशाअल्लाह, हाँ इंशा की यह तसनीफ है तो आप मुझे बताइएगा इंशा की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है, जल्दी से बताइएगा, और इसी के साथ साथ में ये किताब जो है आपने कब लिखी ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तो याद रखेंगे 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1817 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। ये किताब आपने कब लिखी है यानी दरियाए लताफत तो नोट कीजिएगा 1802 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने तमसील के एतबार से कौन सी किताब मशहूर है, तमसील के एतबार से कौन सी किताब मशहूर है इसका आप मुझे जवाब दीजिएगा, बहुत अहम क्वेश्चन है सभी।
तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी सबरस। सबरस कई बार हम क्लास में बता चुके हैं कि मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। तो सबरस के ताल्लुक से पहली बात याद रखेंगे कि ये किताब जो है कब लिखी गई है, इसी के साथ साथ में इसकी किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, और इसी के साथ साथ में सबरस को सबसे पहले दरियाफ्त करके किसने शाये किया, ये भी आप मुझे बतलाइएगा। बहुत अहम चीजें हैं। इस दास्तान में कुल कितने किरदार हैं और इसी के साथ साथ में मरकजी किरदार कौन कौन से हैं। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, ये दास्तान कब लिखी गई है, 1635 ईस्वी में, याद रखिएगा। किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, अब्दुल्ला कुतुब शाह। बिल्कुल आराम से नोट करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई। सबरस को दरियाफ्त करके किसने शाये किया, तो नोट कर लीजिएगा, मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक ने कब शाये किया, 1932 में, याद रखेंगे। ठीक है जी, इसमें कुल कितने किरदार हैं, तो याद रखेंगे 76 किरदार हैं। इसके मरकजी किरदारों की अगर हम बात करें तो उसमें हुस्न और दिल आते हैं। हुस्न और दिल दो अहम किरदार हैं, इसके जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शऊर की रव की तकनीक को किस नॉवल में इस्तेमाल किया गया है। पहला ऑप्शन है आपके सामने देखिए गोदान, दूसरा है उमराव जान अदा, तीसरा है फिरदौस बरी और चौथा है आग का दरिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी आग का दरिया। आग का दरिया जो नॉवल है, याद रखेंगे, इसमें भी शोर की रो की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। आप याद रखना, यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये क्या है, इसके बारे में हमने एक अलग से क्लास ले रखी, छोटी सी वीडियो बना रखी है। आग का दरिया जो नॉवल, इसकी इशात कब अवल में आई है, तो याद रखेंगे 1959 में, जरूर याद रखेंगे। इसकी इशात कौन आई है, 1959 में। आग का दरिया का जो अनवान है, ये किस शायर के शेर से माखूज है, तो आपका जवाब हो जाएगा जिगर मुरादाबादी। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये जिगर का शेर है और उसी से कुर्रतुल हैदर नावल का ये उन्वान अख्ज किया है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब मुझे बताएंगे इसके मरकजी किरदार कौन कौन से हैं। मरकजी किरदारों के बारे में आग के दरिया की बात करते हैं, तो उसमें नाम याद रखेंगे, एक नाम जरूर याद रखेंगे गौतम, दूसरा आप याद रखेंगे हरिशंकर, हरिशंकर भी बहुत अहम किरदार है। इसी के साथ साथ में चंपा, चंपा के साथ साथ में कमाल, ये चार अहम किरदार हैं, इन्हें जरूर आप याद रखेंगे। अब आप मुझे बताइए कुर्रतुल हैदर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में कुर्रतुल हैदर का पहला नावल कौन सा है और पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। तो पहले चीज हम लोग नोट कर लेते हैं कि आपकी जो पैदाइश हुई, याद रखिएगा 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, और 2007 ईस्वी में, याद रखेंगे, नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। कुर्रतुल हैदर का जो असल नाम है, याद रखेंगे, जर्री ताज जो है आपका असल नाम है, याद रखिएगा। आपका जो पहला नावल है उसका उनवान है मेरे भी सनम खाने, क्या नाम है उसका, मेरे भी सनम खाने आपका जो है पहला नावल है, याद रखिएगा। आपके पहले अफसानवी मजमुए का नाम क्या है, तो वो है सितारों से आगे, इसे भी नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि सारे फैक्ट अब आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू के लिसाने तश्कील में किस जुबान को बुनियादी हैसियत हासिल है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है पाली, दूसरा है ब्रज भाषा, तीसरा है खड़ी बोली और चौथा है पंजाबी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी खड़ी बोली। पहली चीज तो ये आप सबको मालूम होनी चाहिए कि मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा 5 बोलियां शामिल हैं। अभी 5 बोलियां कौन कौन सी है नोट कर लीजिएगा। नंबर एक तो हो जाएगा आपका ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, इसी के साथ साथ में बुंदेली, बुंदेली के साथ साथ में कन्नौजी, और इसी के साथ साथ में खड़ी बोली, और खड़ी बोली के साथ साथ में हरियाणवी, हरियाणवी को बांगलू और जाटू भी कहते हैं, याद रखेंगे। अभी किताब है बहुत अहम तसनीफ है लिसानियाती जायज़े हिंद, आप नाम नोट कर सकते हैं लिसानियाती जायज़े हिंद के मुसन्निफ कौन है। इंग्लिश में नाम इसका है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया।
लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा जॉर्ज ग्रेर सिन। नाम नोट कर लीजिएगा, जॉर्ज ग्रेर सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, हाल ही में उर्दू नसर का मोरसे आला किसे करार दिया है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है सर सैयद, दूसरे में है गालिब, तीसरे में है मोहसिनुल मुल्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सर सैयद। सर सैयद की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या, ये आप मुझे बताइएगा। और इसी के साथ साथ में हाल ही की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या, दोनों चीजें क्लियर करेंगे आप सब। तो पहली चीज हम नोट कर लेते हैं, 1817 ईस्वी में याद रखेंगे दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। हाल ही की पैदाइश हुई 1837 पानीपत में और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर नाम याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू का सबसे नामवर तरक्की पसंद नाकिब कौन है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने कलीमुद्दीन अहमद है, दूसरे में आल अहमद सुरूर है, तीसरे में एहतशाम हुसैन है और चौथे में मोहम्मद हसन अस्करी है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, यानी सैयद एहतशाम हुसैन। एहतशाम हुसैन की पैदाइश कब हुई है तो नोट कर लीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई 1912 ईस्वी में याद रखेंगे, आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपका एक सफरनामा, उसका नाम याद रखेंगे साहिल और समंदर। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में साहिल और समंदर किसका सफरनामा है, तो आपका जवाब हो जाएगा सैयद एहतशाम हुसैन। जैसे आपके निसाब में शामिल है मुसाफिरान लंदन किसका सफरनामा है, सर सैयद अहमद खां का है। इब्न बतूता के ताकुब में किसका है, इब्न ईशा का है। ऐसे ही जापान चलो किसका सफरनामा है, तो आपका जवाब हो जाएगा मुश्तबा हुसैन। और सफरनामा रूम मिस्र शाम किसका है, अल्लामा शिबली नौमानी का। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शायर के तकरीबन तमाम ही कसायद दरबार दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं? पहला ऑप्शन देखिए गालिब है, दूसरे में मोमिन है, तीसरे में सौदा है और चौथे में दौक दहलवी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी दौक। दौक का नाम क्या है ये आप सबको मालूम होने चाहिए, आपकी सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो पहली चीज नोट कर लेते हैं, आपका नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम। आपका नाम क्या है, शेख मोहम्मद इब्राहिम जो है आपका नाम, इसे आप जरूर याद रखेंगे। 1789 ईस्वी में याद रखेंगे दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। किस शायर ने मुख्तलिफ उलूम फ़नून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने कसायद में बरता है, तो आपका जवाब हो जाएगा ज़ौक दहलवी, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, प्यास बढ़ती जा रही है बहता दरिया देखकर भाग जाती हैं मौजें ये तमाशा देखकर, इस शेर में कौन सी सनात है? पहला ऑप्शन है तजाद, दूसरे में उसने तालील, तीसरे में तलमीह और चौथे में है लफ्फ नसर। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी हुस्ने तालील। हुस्ने तालील का मतलब होता है किसी चीज की ऐसी वजह बयान करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो, तो उसे कहते हैं हुस्ने तालील। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवाब मिर्जा शोक का नाम क्या था? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है तसद्दुक हुसैन, दूसरा है अली सिकंदर, तीसरा है मोहम्मद इब्राहिम और चौथा है असगर अली। तो जवाब आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी तसद्दुक हुसैन। तसद्दुक हुसैन जरूर याद रखेंगे, आपकी शाहकार जो मसनवी वो है जहर इश्क, उसे भी याद नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, प्रेमचंद का कौन सा अफसानवी मजमुआ जब्त कर लिया गया? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने वारदात है, दूसरा सोजे वतन है, तीसरा आखिर तोहफा है और चौथा प्रेम पचीसी है। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सोजे वतन। मुंशी प्रेमचंद का नाम क्या है आप सबको मालूम होना चाहिए, सन विलादत और सन वफात बिल्कुल जुबान पर होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में मुंशी प्रेमचंद के और भी कई सारे सवाल बन सकते हैं, फिलहाल बताइए आपका नाम जो है वो है धनपत राय, जरूर याद रखेंगे आपका नाम क्या है धनपत राय। आपकी पैदाइश भी 1880 ईस्वी बनारस के लम्ही गाँव में और 1936 में बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंशी प्रेमचंद का पहला नॉवल कौन सा था? पहला ऑप्शन देखिए चौगाने हस्ती, दूसरा असरार माबेद, बाजार हुस्न गबन,
तो आपका जवाब सीधा सीधा हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी असरारे मोहब्बत। ये मुंशी प्रेमचंद का पहला नॉवल है लेकिन ये नामुकम्मल नॉवल है। असरारे मोहब्बत नॉवल बहुत अहम है। ये नॉवल जो है आपने बनारस के एक हफ्तावार अखबार आवाज़ खल्क में, कौन से अखबार में नाम नोट कर लीजिएगा, आवाज़ खल्क, आवाज़ खल्क में 1903 से 1905 तक शाये किया यानी शाये हुआ। कब से कब तक, 1903 से 1905 तक जो है ये शाये हुआ किस में, बनारस के अखबार आवाज़ खल्क में, ज़रूर याद रखेंगे। आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस और इसके साथ साथ में जो हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं उन्हें आपको याद करने की ज़रूरत है, वो बहुत अहम चीज़ें हैं। यही से एग्जाम में नए क्वेश्चन जो बनेंगे उनको सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। तो इस सेशन को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उर्दू के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी हमारे चैनल के बारे में रसाई हासिल नहीं हो, उन्हें चैनल के बारे में मालूमात नहीं है कि यहाँ पर UGC नेट की नियर अबाउट डेली कोई ना कोई क्लास मिलती है। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।